नमस्कार, मैं इंदु सोनाली आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हमारे दर्शकों को यानी कि आप सबों को मेरे एल्बम आने का बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी था, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेरा एल्बम आया टीएफ कंपनी से जिसका नाम है मिला दे मेरे यार से। और उसका पहला गाना ये यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है, आप सबों ने सुना, बहुत खुशी हुई। जिसका गाना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सूफी सॉन्ग है और सभी को लगता था कि इंदु सोनाली हिंदी नहीं गा सकती है, सिर्फ भोजपुरी गाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत ही हिंदी से किया था और पहली बार मैंने अपने एल्बम के माध्यम से हिंदी गाने को गाया है। सूफी सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जिसको म्यूज़िक इस एल्बम को म्यूज़िक दिया है अविनाश झा गुरु जी और गीत लिखे हैं मनोज मतलबी जी। और हम सभी की मेहनत है, जितने शिद्दत से मनोज मतलबी जी ने लिखा है उतनी ही मेहनत से अविनाश झा जी ने म्यूज़िक दिया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। और बाकी रहा मेरे गाने की बात, तो मैंने भी उतनी ही मेहनत की है अपने दर्शकों के लिए ताकि मैं आप सभी के बीच में जो आप लोग चाहते थे कि मैं एल्बम गाऊं, उस माध्यम से मैं आप सभी को वो गाना आपके बीच लाऊं, वो एल्बम लाऊं, सो मैंने की। और मुझे लगता है कि हर गाने की तरह आप लोगों ने मेरे इस गाने को लगता नहीं क्या, मतलब पूरी तरह से विश्वास हो गया, वो विश्वास आपने हमें दिया, आप सभी दर्शकों ने। और वो गाना आप लोगों ने बहुत जल्दी सुन के हिट किया, जो जल्दी किसी के साथ नहीं होता। और गाने का बोल है, इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क है मन्नत, इश्क नायक, दुआ है परवरदिगार से, अल्लाह 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 अल्लाह, मिला दे मेरे यार से, अल्लाह अल्लाह मिला दे मेरे यार से, अल्लाह अल्लाह मिला दे मेरे यार से, अल्लाह अल्लाह मिला दे मेरे यार से। ये सूफी सॉन्ग है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गा रही थी, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो पहले तो मैंने जब लिरिक्स देखा तो मैं बहुत खुश हो गई जो मनोज मतलबी जी ने लिखा है। और हम सभी के लिए एक समझ की चुनौती थी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जो भोजपुरी से जो हटके हैं या भोजपुरी भी जो जानते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब भोजपुरी में जो होता है वो हिंदी में नहीं होता, वो हिंदी नहीं लिख सकते, ना म्यूजिक बना सकते, ना गा सकते, सब कुछ इतना नहीं रखता है। तो इसके लिए हम सभी के लिए चुनौती थी और मनोज मतलबी जी ने लिखा, बड़े प्यार से लिखा और बहुत ही कमाल लिखा। रही बात म्यूज़िक की, तो जब आप म्यूज़िक सुनेंगे, आप तो सुन ही रहे हैं, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये फिल्म का म्यूज़िक नहीं है। मतलब मुझे तो लगा कि अरे यार ये तो मतलब कमाल हो गया। तो जब मैंने म्यूज़िक सुना जो अविनाश झा जी ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, वो कमाल का म्यूज़िक था। और वो सुनकर मुझे जो गाने की जो मेरे में जो एक अलग से एनर्जी आई, वो एनर्जी मेरे एल्बम में दिखता है। जब आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा जो सही मायने में जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरे गाने को सुनते हैं, बहुत बारीकी से सुनते हैं, तो उनको लगेगा कि मैंने बहुत ही एनर्जी से गाया क्योंकि म्यूज़िक बहुत एनर्जेटिक था, लिरिक्स बहुत एनर्जेटिक था और मुझे गा के बहुत मज़ा आया। और सबकी मेहनत को जो एक मुकाम जो देते हैं वो आप लोगों ने दिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरा सपना था कि मैं एल्बम गाऊं और वो सपने को आप लोगों ने मेरे मन को सपने को और ज़्यादा मतलब कि प्रोत्साहित किया और वो मैं कर पाई। और टीएफ कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, अगर वो मेरे जो हमने एक राय जो उनको दिया कि हम इस तरह का एल्बम बनाना चाहते हैं हम सभी ने मिलकर, और इस बात को टीएफ
कंपनी ने जो रखा, जो मेरे बात को रखा, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्यारा सॉन्ग है, बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे इस एल्बम को मिला दे मेरे यार से। इसमें मेरे चार सॉन्ग हैं, जब आप सुनेंगे तो सब गाने मेरे अलग अलग मूड के मिलेंगे। कोई भी गाना किसी भी म्यूजिक से मिलता नहीं है, एकदम फ्रेश और एकदम हटके है। और बस मैं यही आप सब से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस जैसे आप सभी ने मेरे पे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा है, वैसे ही बनाए रखें और मेरे गाने को, मेरे एल्बम को सुने, जिसका नाम है मिला दे मेरे यार से। और बस इंजॉय करें और हमें प्यार आशीर्वाद दें। थैंक यू।